हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जागृति है और आज मैं आपको राजस्थानी करी बनाना बता रही हूँ। तो देखिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले बेसन और बटर मिल्क यानी कि छाछ को हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ साथ हमें और क्या क्या चाहिए आइए देखते हैं। तो हम ले लेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, नमक, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ी सी राई, थोड़ा जीरा, और हींग भी डालेंगे हम, दो लाल मिर्ची खड़ी तड़का लगाने के लिए, और कसूरी मेथी लास्ट में डालेंगे फ्लेवर के लिए, बारीक अदरक कटी हुई, बारीक लहसुन और हरी मिर्ची, प्याज और आलू, इनको बारीक कटिंग कर लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला, तेल में हमने राई, जीरा, हींग और दो लाल खड़ी मिर्ची डाल के, और उसके बाद चॉप्ड जो करी हुई सब्जियां थी वो हमने इसमें डाल दी थी। थोड़ी देर हम इन सबको भून लेंगे अच्छे से। हमने जो सब्जियां डाली थी वो हल्की पक गई हैं और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, जैसा आप खाते हैं, जितना तीखा आप खाते हैं, थोड़ा सा हम धनिया भी डाल देंगे, धनिया पाउडर, और नमक स्वादानुसार। अब इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकाते रहेंगे। सारे मसाले और सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं और अब नोब को हम एकदम फुल कर देंगे, गैस एकदम फुल कर देंगे, और जो हमने बेसन और बटर मिल्क का जो घोल बनाया था उसको हम धीरे धीरे डालेंगे और दूसरे हाथ से हल्के से करछी से इसको हिलाते रहेंगे। सारा घोल हमने डाल दिया है और इसको तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाए। ये देखिए हमारी कढ़ी उबलने लगी है और अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। इसी तरह इसको मीडियम हीट पे 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लें। जब ये अच्छे से पक जाएगी तो जो उस ऑयल है वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑयल धीरे धीरे ऊपर आ गया है, तो इससे पता चल रहा है कि आपकी कढ़ी पक चुकी है। कढ़ी पकने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। हमारी कढ़ी बनकर तैयार है और इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपकी मर्जी है खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दिल खोल के अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।